भजन कीर्तन का दौर शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो ग्रुप है ये पूरा भिलाई का ग्रुप है। बहुत उत्साह है, सप्ताह भर से सोए नहीं है। जब से लगा कि अयोध्या के लिए टिकट कट गया तब से नींद नहीं, चैन नहीं। कब रामलला का दर्शन करे और कब वो पहुँचे वहाँ वो अवधपुरी में, सब का इंतजार है। सब हम लोग उत्साह से यहाँ पहुँच रहे हैं। जय जय श्री राम। क्या कहना चाहिए? उत्साह की वजह से आप देख रहे हो कमी नहीं है और भगवान लला के यहाँ जाना ही है। और हमारे तो 4-5 दिन से तो ऐसा है कि रोज ऐसा लग रहा है कि हम लोग अयोध्या में ही है। इतना ज़्यादा हम लोग उत्साह है अपने आप में। और मन ऐसा हो रहा है जैसे सबरी का मन था ना कि सबरी निहारे रास्ता आएंगे मेरे राम, सबरी निहारे रास्ता आएंगे मेरे राम। बस वही हम लोगों का हाल हो रहा है कि हम लोग कब जल्दी से अपने रामलला के दर्शन करने पहुंच जाएं। बस यही मन में हम लोगों के उत्साह है और प्रभु श्री राम ने हमें बुलाया है, इसके लिए प्रभु श्री राम का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सबरी की तरह इंतजार कर रहे थे रामलला का और इंतजार भी खत्म हुआ है। सबरी की तरह आंखों में आंसू है, सबके खुशी के आंसू है क्योंकि इंतजार खत्म हो रहा है। मात्र अब 24 घंटे का इंतजार है, कुछ देर में ट्रेन रवाना होगी और अगले दिन इस वक्त अवध में होंगे सारे लोग राम भक्त। यहाँ पर हम राम जी का बेसब्री से इंतजार है, हम कब जाएंगे हमारे रामलला को देखेंगे। वैसे भी तो मन में ठान ही लिया था हमारे राम एक दिन अयोध्या में विराजमान हो गए, आज हमारा सपना पूरा हुआ है। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी आस्था है और ये आस्था के माध्यम से हम वहाँ पहुँचेंगे। हमारे रामलला विराजमान, हमारी जय हुई है। जय जय श्री राम। और यहाँ पर स्वागत हो रहा है तिलक से, चंदन तिलक लगाकर सभी राम भक्तों का स्वागत हो रहा है। हमारा भी तिलक लगाकर स्वागत किया भाइयों ने। तो आप देख सकते हैं जय श्री राम के नारों के साथ में रुद्राक्ष माला चंदन तिलक के साथ में सभी श्रद्धालुओं को रवाना करने की तैयारी की जा रही है। क्या तिलक का महत्व है? तिलक बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बगैर पूजा का कार्य शुरू ही नहीं हो पाता है। ये आनंद का उत्सव रहता है, यदि माथे में तिलक है तो भगवान का वास है उस शरीर पे, आनंद की अनुभूति है। बिल्कुल आनंद की अनुभूति है तिलक लगाकर, और ललाट पर तिलक लग चुका है, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी जा चुकी है, कंधे पर भगवा जो है गमछा लगा चुके हैं और हाथ में भगवा ध्वज लिए जय श्री राम के नारों के साथ में दुर्ग का रेलवे स्टेशन गूंज रहा है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर बच्चे से लेकर बड़े तक सब राममय हुए हैं, क्योंकि आज की जो आस्था ट्रेन है, जो पहली ट्रेन गई थी उसमें महिलाओं की संख्या कम थी, परिवार की संख्या कम थी, लेकिन आज यहाँ पर परिवार की संख्या भी ज़्यादा है, बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है। ये जो ग्रुप है राजनांदगांव और डोंगरगढ़ विधानसभा से है, भैया कितने लोगों का ग्रुप जा रहा है? हमारा ग्रुप कम से 150 लोगों का ग्रुप है, डोंगरगढ़ विधानसभा घुमका मंडल से। तो कैसा लग रहा है आज, क्या अनुभूति? आज हमारा अनुभूति ऐसा है, रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं और उनका आशीर्वाद है, उन्हें दर्शन करके हम पुण्य कमाना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं।
काम। आप कहाँ से आए? मैं दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र से आया हूँ। मैं रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहा हूँ। अकेले जा रहे हैं परिवार से? अभी अकेले टिकट मिली है इसलिए अकेले जाना पड़ रहा है, फिर बाद में अभी परिवार के साथ जाना होगा। राम जब बुलाएंगे जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप कहाँ से? मैं भिलाई माता की जय। और ये जो था अहिवारा विधानसभा का है, नटवर जी इसमें नेतृत्व कर रहे हैं, कितने लोगों का ग्रुप है भैया? हम लोगों का 68 लोगों का ग्रुप है, जिसमें 72 लोग टोटल हैं, जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड है, 1 चिकित्सक है और 1 गाइड है। पूरी सुविधा के साथ में रामलला के दर्शन के लिए अहिवारा विधानसभा से 68 दर्शनार्थी वहाँ जा रहे हैं, जिसमें वहाँ के पुरोहित शामिल हैं, जिसमें वहाँ के किसान, हमारे किसान जो लोग हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, किसान शामिल है, हमारी महिलाएं जो शामिल है, सभी लोग एक आस्था का केंद्र अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बिल्कुल काट दिया क्या? तो यहाँ पर हर कोई, हर वर्ग से लोग जा रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, किसान, सर्विस वाले भी जा रहे हैं, सब छुट्टी लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि ये अवसर ही ऐसा है कि रामलला के दर्शन को उन्हें मौका मिल रहा है। तो मौका मिल रहा है तो मौका कोई चूकना नहीं चाहता, इसलिए आज जो है, आज की जो ट्रेन है आस्था स्पेशल, वाकई में सबकी आस्था आपको नज़र जरूर आ रही है यहाँ पर। ट्रेन को रवाना करने के लिए भाजपा दुर्ग के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी है। वर्मा जी, कितने लोगों की यहाँ टीम जा रही है, पूरी क्या व्यवस्था है भाजपा की तरफ से? जय जय श्री राम। संसार के पालनहार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन जी का मंदिर अयोध्या दर्शन हेतु दुर्ग संभाग में कुल 20 विधानसभा है, तो एक एक विधानसभा में एक एक कोच, मतलब एक एक विधानसभा से 72 लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग कैसी व्यवस्था दे रहे हैं, भोजन की कैसी व्यवस्था होगी, टीम कैसी बनेगी, सुरक्षा व्यवस्था ट्रेन में कैसी होगी? सुरक्षा व्यवस्था तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के हैं, बाकी शासकीय सुरक्षा व्यवस्था फुल है, भोजन, चाय, नाश्ता सब है। ये सब जितने बंधु जा रहे हैं सब अपने शुल्क से जा रहे हैं, वैसे भी धर्म के काम में स्वयं के वजह से जाना चाहिए, तो जितने बंधु जा रहे हैं, श्रद्धालु बंधु, वो 1400 रुपये दे करके जा रहे हैं, तो भोजन, चाय, नाश्ता सब चीज व्यवस्था है। नवनियुक्त भाजपा के अध्यक्ष महेश वर्मा भी यहाँ पर सबको सी ऑफ करने पहुँचे, राम जी के दर्शन, भाजपा राम के दर्शन को जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये हमारे छत्तीसगढ़ की सौभाग्य है कि भाजपा राम के दर्शन करने सभी लोग, हम सब भाजपा राम के दर्शन करने पहुँचने वाले हैं। पूरे भिलाई के जनता जा रही है, दुर्ग की जनता जा रही है और 20 विधानसभा की जनता आज प्रारंभ हो रही है। ये ट्रेन जो आज से चालू हुई है, इसमें भाजपा राम के दर्शन करके आएंगे लोग। क्या संदेश है, कैसा उत्साह है कि आप कब जाएंगे दर्शन करने? मैं 28 तारीख वाली डेट में मैं जाऊंगा, ऐसी इच्छा है मेरी, लेकिन पार्टी का अगर निर्देश रहा कि रुकना है तो यहाँ ही रुकूँगा। इंतजार हो रहा है कि नहीं सब? रवि, अभी तो मेरी बहुत इच्छा है, जैसे आप लोग दर्शन करके आ गए तो मुझे बहुत, भगवान की चेहरा देखते ही मुझे लगता है कि मैं आज ही पहुंच जाऊं। रेलवे के सीनियर डीसीएम डॉक्टर वैष्णव है सर, आज क्या तैयारी है, किस तरीके की आज आपके रेलवे की तरफ से क्या यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है? देखिए, सभी पैसेंजर्स को उनके टिकट्स और बैगेज टैग्स यहीं से दे दिए जाएंगे, उनका टिकट वही एंड टू एंड रहेगा, यहाँ से लेके अयोध्या धाम और अयोध्या धाम से वापस यहाँ की यात्रा के लिए वही टिकट वैलिड रहेगा। ट्रेन के अंदर में 7 सिक्योरिटी स्टाफ और सब इंस्पेक्टर एस्कॉर्टिंग करेगा, डॉग स्क्वाड के द्वारा पूरी ट्रेन की चेकिंग की जा चुकी है, ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था ट्रेन के अंदर ही अलग अलग स्टेशनों से खाना चढ़ा के की जाएगी। सर, ये तो आज दूसरी ट्रेन जा रही है, ऐसी कितनी ट्रेन यहाँ से रवाना होनी है? अभी इसके बाद में 3 ट्रेन और जाएगी यहाँ से, अभी तक इतनी ही अनाउंस्ड है। बिल्कुल, अभी 3 ट्रेन और जाएगी और 3 ट्रेन में वैसे ही 20 विधानसभा के से लोग जाएंगे। आस्था का जो है सैलाब उमड़ पड़ा है, अब तो ढोल नगाड़े भी पहुंच चुके हैं और लोग झूम रहे हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं ये नज़ारा दुर्ग से, दुर्ग स्टेशन से। कोमल धनेसर, IBC 24 दुर्ग।